यूपी के जनपद बलरामपुर में 16 जनवरी से प्रथम चरण कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण सफल बनाने में मीडिया से सहयोग है तो कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी बलरामपुर व पुलिस अधीक्षक बलरामपुर की अध्यक्षता में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि जनपद में 16 जनवरी को प्रथम दिन 3 चिन्हित टीकाकरण स्थल संयुक्त जिला चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैसड़ी तुलसीपुर व इंटर कॉलेज तुलसीपुर में 300 लाभार्थी स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। कल का जो 16 जनवरी का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है बलरामपुर में, उसके ये 3 स्थान चिन्हित किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल, CHC तुलसीपुर और CHC गैंचुरी। सभी कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। ड्राई रन में भी उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है, उनको हर तरह का प्रशिक्षण दे दिया गया है। पुलिस विभाग से, प्रशासनिक विभाग से और चिकित्सा विभाग से सभी नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। सबको अपने अपने उत्तरदायित्वों का भली भांति ज्ञान है। प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग हर तरह के से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ड्यूटी लगाई गई है, चाहे वो क्या कहते हैं एंट्री पे हो, एग्जिट पे हो, साथ में जो भी जो हमारे ट्रेंड कांस्टेबल्स हैं और ट्रेंड पुलिसकर्मी हैं, वही देखेंगे कि जो सूची में है वही लोग अपने लगातार क्या कहते हैं उसी जो स्पेसिफिक उनका रोल कॉलम के हिसाब से लोग जाएंगे आएंगे। साथ ही साथ बाहर जो अननेसेसरी लोग हैं उनको ना आए, उनको इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसके लिए भी हमने सेंटर पे अलग रखी है। इसके अतिरिक्त हमारी जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं उसमें भी हमने पुलिस की अलग गार्ड लगाई हुई है, जहाँ पर भी वैक्सीनेशन का स्टोरेज वगैरह है। तो यहाँ सब पे लगातार हमारे SDOs कल भ्रमणशील रहेंगे, जो 3 सेंटर है वहाँ पे किसी भी प्रकार का र्यूमर वगैरह है ना फैलाया जाए, और र्यूमर वगैरह पे चाहे सोशल मीडिया के थ्रू ट्विटर या फेसबुक पे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर फॉल्स र्यूमर वगैरह फैलाया जाता है तो कृपया करके आपसे भी सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोग भी र्यूमर ना फैलाएं। थैंक यू। ये कैसे सर? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोविन के माध्यम से, और जितने बेनिफिशरीज हैं उनकी सूचनाएँ उस पर अंकित हैं और उसकी हार्ड कॉपी भी हैं, सबके पास लिस्ट है। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो सेशन बनाते हैं तो उनके मोबाइल पर SMS चला जाएगा, और इसके बावजूद भी मान लिया कहीं कोई और दिक्कत आई इंटरनेट की तो उनको मोबाइल से अलग से फ़ोन करेंगे, सबके नंबर्स रखे हुए हैं, और उनको टाइम बताया जाएगा कि चूँकि ये सत्र 9 बजे से 5 बजे तक का है तो किस टाइम में 20 लोग का एक एक पॉकेट्स स्लॉट्स बनाई गई हैं कि वो उसी समय आए, जिससे स्मूथली ये इंजेक्शन्स और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम वो लग सके। अंदर की और